फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो। इफ द पोटेंशियल इन ए रीजन इज एक्सप्रेस्ड, अगर मेरे पास एक रीजन है, चलो ये मैंने रीजन कंसीडर कर लिया, इस रीजन में मैंने कुछ पोटेंशियल वी डिफाइन कर दिए कुछ एक्सप्रेशन से, ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी आपको मेंशन है, दिस इज द एक्सप्रेशन। 6xy पोटेंशियल दिया हुआ है, 6xy माइनस वाई प्लस 2yz, दिस इज द पोटेंशियल इन दिस रीजन। अब आपको फील्ड निकालना है। अब देखो जो फील्ड होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बी केयरफुल। तो अगर ये रीजन है, इस पॉइंट पर अगर मैं फील्ड देखूं, पी नाम का पॉइंट है, अगर मुझे इस पे फील्ड चाहिए तो फील्ड एक्स एक्सिस में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन पोटेंशियल। तो यहां पर जो फील्ड है, अब अगर ये एक्स वाई जेड में दिया है, तो यहां पर जो नेट फील्ड होगा वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड का वेक्टर समेशन हो गया। तो जो नेट फील्ड होगा पी पॉइंट पर वो आ जाएगा फील्ड इन एक्स एक्सिस प्लस फील्ड इन वाई एक्सिस प्लस फील्ड इन जेड एक्सिस, या आई जे कैप भी लिख सकते हो। अब एक्स वाई में फील्ड कैसे निकालते हैं, आपको बेहतर तरीके से पहले से पता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड फील्ड। तो जो फील्ड होता है वो होता है माइनस डीवी ओवर डीएक्स। ये हमारे लिए बहुत ही सुंदर और अच्छा एक फार्मूला है, ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत काम का फार्मूला है। कांस्टेंट फील्ड है तो उस कांस्टेंट फील्ड के लिए माइनस डीवी अपन डीएक्स ये मैं लगा दिया हूँ। अब हमें किधर चाहिए फील्ड, हमें एक्स एक्सिस में चाहिए, तो माइनस डीवी ओवर डीएक्स और पोटेंशियल की वैल्यू ये उठा के इसमें डालूंगा वी के प्लेस पे, और एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करूंगा। इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। एक बार मैं आपको क्लियर करता हूं, तो ये 6xy माइनस वाई प्लस 2yz, ध्यान रखना कि यहां पे जो P पॉइंट है, जिस पॉइंट पर हमें वेक्टर फील्ड निकालना, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी मेंशन है। तो यहाँ से जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है, देखो 1, यहाँ 1, 1, 0 है, मतलब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 0 है, जहाँ पर हमें फील्ड चाहिए। तो यहाँ से मैं बहुत आसान तरीके से निकाल सकता हूँ, इस डेरिवेशन को हम बोलते हैं, डेरिवेटिव को बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल मतलब किसी के साथ पार्शियलिटी करना। देखो x, y, z तीनों वेरिएबल है यार, लेकिन अभी डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो y और z जो है, y और z क्या होंगे, कॉन्स्टेंट कंसिडर करूँगा मैं, बराबर है। तो y और z अगर मैं कॉन्स्टेंट कंसिडर करूँ, तो माइनस साइन यहाँ पे रहने दो, और 6xy का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कितना होगा, 6y dx का, और ये चला गया 0 और ये चला गया 0, क्योंकि xyz कांस्टेंट है, ये आ गया 0। अब y की वैल्यू उस पॉइंट पे कितना है, 1 है, तो माइनस 6i कैप, दिस इज द फील्ड इन x एक्सिस, बराबर है। तो माइनस 6i कैप देख लेते हैं किसमें है, मतलब ये कभी सही नहीं हो सकता, C और A गए 50-50 हो गया, या तो B सही है या तो D सही है। अब इस पॉइंट पे Y एक्सिस में कितना फील्ड है, बाद में सभी का वेक्टर सम ले लूंगा, तो Y एक्सिस में एक बार Y के रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट करो। तो चलो इसको एक बार Y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, तो E माइनस dv अपॉन dy मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, अब आप कर लेना, इसको मैं Y के रिस्पेक्ट करता हूँ, देखो तो माइनस साइन तो अपने फार्मूले से रहेगा, और एक्स वाई है तो माइनस साइन, और ये वाई के रिस्पेक्ट कर रहा हूँ तो ये मिलेगा 6x। समझने की कोशिश करना, वाई के रिस्पेक्ट माइनस वाई का वाई हो गया और ये प्लस 2z आ गया, दिस इज द जे कैब, दिस इज व्हाट, दैट इज फील्ड इन वाई एक्सिस, कहाँ पे, जहाँ पे हमें चाहिए, और वहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू दिया हुआ, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, माइनस x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 6 माइनस 1, और 2 z की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 0 और ये आ जाएगा z कैप, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस 5z कैप, दिस इज द फील्ड इन y एक्सिस, उस पॉइंट पे माइनस 5z कैप, माइनस 5z कैप। अब ऑप्शन देख लेते हैं, माइनस 5 ये दोनों तो पहले ही खत्म हो गए थे, मतलब डी ऑप्शन सही है, टाइम बचाने की जरूरत है, मैं चाहूँ तो एक और भी कर सकता हूँ, लेकिन हमारा कन्फर्मेशन यहीं से हो गया, तो मैं क्यों ना एक मतलब एक मिनट बचा लूँ यार अपना, है ना। तो अब आपके लिए तो एक बार मैं और कर देता हूँ, जो y एक्सिस z एक्सिस में जो फील्ड आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस dv ओवर dz,
बराबर है, तो dv ओवर dz ये केक है। तो यहां से अब मैं dv को ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था इसको मैं z के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा। तो अगर मैं इसको z के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा तो ये चला जाएगा जीरो, एक्स वाई कॉन्स्टेंट, वाई भी, ये भी चला गया जीरो क्योंकि कॉन्स्टेंट हो गया, z के रिस्पेक्ट में 2y मिला। तो यहां से मुझे मिला माइनस 2y के कैप, और आप देख रहे हो y की वैल्यू 1 है तो जो फील्ड z एक्सिस में आ जाएगी वो माइनस 2 के कैप आ जाएगी। दिस इज द फाइनल फील्ड। अब यहां से जो पूरी फील्ड है नेट फील्ड स्पेस में आ जाएगी इन सभी का वेक्टर सम, माइनस 6 आई कैप, माइनस 5 जे कैप और माइनस 2 के कैप। मतलब माइनस साइन में कॉमन ले लूं तो 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप, दिस इज द नेट फील्ड इन दिस स्पेस गिवन पोटेंशियल। जो पोटेंशियल यहां वेक्टर लगाना जरूरी है, गलत हो जाएगा। तो 6 आई कैप प्लस 2 के कैप मतलब डी ऑप्शन सही है, बराबर है। इस तरह से क्वेश्चन